सितारा, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। पता तुम पूरी तरह से ठीक हो चुकी हो। बस विराज, इतना प्यार करोगे तो वो फिर से बीमार पड़ जाएगी। अब इसे कुछ नहीं होने दूंगा मैं। चलो चलते हैं। अरे कहाँ चलते हैं? वो इतनी भी ठीक नहीं हुई है कि तुम उसे घुमाने लेकर जाओ। I mean, वो बहुत वीक है, उसको अभी टाइम लगेगा अपने पैरों पे खड़े होने में। पर क्यों, तुमने कहा था ना ये लास्ट सेशन है, इसके बाद वो ठीक हो जाएगी। ठीक हो गई नहीं? हाँ, पर उसे अभी टाइम लगेगा स्ट्रांग होने में। तुम सबके सामने नहीं लेकर जा सकते उसे। से काम चला सकते हो, मैं हूं ना तुम्हारी कंपनी के लिए। अब चलो, उसको आराम करने दो ना। चलो मतलब मैं यहीं रहता हूं ना सितारा के पास, अरेंजमेंट करूंगा इसके साथ। बिल्कुल नहीं, अभी निकलो। अगर तुम यहां रहोगे सितारा बिल्कुल आराम नहीं कर पाएगी। अभी चलो। मैं कुछ नहीं कहूंगा। अरे मैं कहीं दूर बैठ जाऊंगा, डिस्टर्ब नहीं करूंगा। मेरी हरियाली, मेरी बात सुनो हरियाली। कोई फर्क नहीं पड़ेगा अलवेली, रहने दो। चालाक लोमड़ी है हरियाली, पता नहीं कहां से आ गई है हमारे जीवन में ग्रहण बनके। और क्या रिश्ता है उसका विराज और सितारा के साथ कि वो उनकी इतनी मदद कर रही है? आखिर वो चाहती क्या है दीदी? क्या कोई निजी दुश्मनी है हमारी उससे, जो हमारी दुश्मन बनने के पीछे पड़ गई है? जब देखो विराज की ढाल बनी फिरती है, बिल्कुल सितारा की तरह। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सितारा की तरह। हर बार विराज की रक्षा करती है। सितारा की आंखों में विराज के लिए जो प्यार देखा है, वही प्यार मैंने हरियाली की आंखों में विराज के लिए देखा है। आज भी जब हम जंगल में उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो हरियाली बार बार जाकर विराज को बचा रही थी। विराज, तुम ठीक हो ना? वो भी बैठे बैठे विराज को निहारे जा रही थी, एक टक उसे देखे जा रही थी। पर दीदी, अगर हरियाली विराज से प्यार करती है, तो वो सितारा को बचाने में विराज की मदद क्यों कर रही है? कुछ ज्यादा ही तगड़ी संत गंध है ये हरियाली विराज के। दीदी सही कह रही है, इन दोनों के बीच जरूर कोई रिश्ता है। मगर अलबेली,
अगर ऐसा है भी तो सितारा के ठीक होते ही विराज तो सितारा के पास चला जाएगा और हरियाली का प्यार अधूरा रह जाएगा। तो फिर हरियाली खुद अपने साथ ऐसा क्यों करेगी दीदी? दीदी सुरेली सही कह रही है, इसमें हरियाली का क्या फायदा है? यही राज तो जानना है हमें, और इस राज को जानने के लिए हमें हरियाली के इतिहास को जानना होगा। क्या हुआ तुम्हें? हाँ स्टैचू बन के क्यों बैठे हो तुम? रूम में इतनी शांति है, मैं ही भूल गया कि तुम रूम में हो। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस सोच रही थी कि सितारा के ठीक होते तुम तो मुझे भूल जाओगे ना। आप भुलाने वाली चीज है कहाँ मोहतरमा, आपको कोई कैसे भुला सकता, आपको तो जिंदगी भर याद रखा जाएगा। लाइफ टाइम के लिए कर्ज चढ़ाया तुमने मुझ पर, मेरी सितारा की जिंदगी लौटा के तुमने मेरी सांसें लौटाई हैं, दूसरा जन्म दिया तुमने हम दोनों को। याद है मैंने कहा था ना मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो तुम। सितारा मुझे पूरा करती है हरियाली, अगर वो नहीं रही, वो नहीं रही, वो नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा, मैं भी नहीं रहूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने इस प्यार में तुम हमारी दिल भूल जाओ? बिल्कुल नहीं, तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगा, चाहे तो मेरी जान मांग लो, तुम आजमा के देख लो। तुम्हारी जान नहीं चाहिए मुझे, लेकिन जो चाहिए वो जान से कम भी नहीं। अच्छा ऐसा क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मैं चाहती हूँ कि तुम सितारा को हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर कर दो, अपनी जिंदगी से, अपने दिल से नामो निशान मिटा दो उसका। साफ तक नहीं आए, मैं खुद ही जाकर देखती हूँ।